निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा आन्तिकं पुण्यं सर्ववाङ्मयम् आहारं चन्द्रताराजं गुरुर्ब्रह्मा नौकर मंत्र जगत पिताय नागाननाय श्रुति यज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। प्रकृति ईश्वर का प्रकट रूप है और कला मनुष्य का। कला यानी अपूर्ण में से संपूर्ण बनने की एक कोशिश, और इसी कोशिश के साथ नुपुर डांस अकेडमी की ओर से मैं निकिता मेहता शेख यहाँ पर उपस्थित सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करती हूँ। स्वागतम, सुस्वागतम, शुभ स्वागतम। आज हम सब यहाँ मौजूद हुए हैं एक खास वजह के लिए, एक खास अवसर के लिए, और ये अवसर है
गुरु श्रीमती हेतल शाह और गुरु श्रीमती हीना संघवी की शिष्याओं का अरंगेट्रम। भरतनाट्यम को भारत के सर्वाधिक प्राचीन नृत्य के स्वरूप में जाना जाता है। ये दक्षिण भारत की शास्त्रीय नृत्य शैली है और भरत मुनि के नाट्य शास्त्र पर आधारित है। भरतनाट्यम में नृत्य के तीन मूलभूत तत्वों को कुशलतापूर्वक शामिल किया गया है। वे हैं भ यानी भाव अर्थात मनस्थिति, र यानी राग अर्थात संगीत और स्वर माधुर्य, और त यानी ताल अर्थात काल समंजन। हालांकि भरतनाट्यम की शैली 2000 वर्ष से भी अधिक पुरानी है, लेकिन इसकी ताजगी और समृद्धि आज भी बरकरार है। चलिए बढ़ते हैं अरंगेट्रम की ओर। भरतनाट्यम में नर्तकी के नृत्य प्रवास की अत्यंत महत्वपूर्ण मंजिल होती है अरंगेट्रम। अरंग अर्थात ऊंचा स्तर और एट्रम का अर्थ होता है चलना। ये रंगमंच पर नर्तकी का अभिकूल प्रवेश है। सामान्यतः गुरु अपनी शिष्या को प्रथम बार रंगमंच पर सादर करते हैं। नृत्य देवता नटराज और गुरु के आशीर्वाद से शुरू होता है नर्तकी का सर्वांगीय प्रवास। भरतनाट्यम अरंगेट्रम गुरु और शिष्य दोनों के लिए अत्यंत अभिमान का क्षण होता है। नमस्ते एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग वंस अगेन, अ हार्टी वार्म वेलकम टू वन एंड ऑल। वी ऑल हैव बीन गैदर्ड हियर टुडे टू विटनेस अरंगेट्रम ऑफ गुरु श्रीमती हीना संघवी एंड गुरु श्रीमती हेतल शाह'स डिसाइपल्स। लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट मी नाउ टेक द प्लेजर टू इंट्रोड्यूस यू ऑल टू अवर डिसाइपल्स। Firstly, put your hands together for our first disciple, Tashvi. Tashvi, daughter of Srimati Neha and Shri Kunal Ajmera. Our second disciple, Kavya. Kavya, daughter of Srimati Bhavna and Shri Mehul Mehta. Thereafter, our third disciple, Hitanshi. Hitanshi, daughter of Srimati Sheetal and Shri Ritesh Doshi. Moving further, our fourth disciple, Sanvi. Sanvi, daughter of Srimati Mallika and Shri Prakash Kundan. And last but not the least, our fifth disciple, Prisha. Prisha, daughter of Srimati Payal and Shri Ankit Doshi. Aye, aaj is Arangetram ke paavan parva par गुरुओं के साथ जुड़ जाते हैं। आज के कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति है पुष्पांजलि। पुष्पांजलि का अर्थ है ईश्वर को पुष्प अर्पण करना। नृत्य देवता नटराज, समुच्च ब्रह्मांड की रखवाली करने वाले अष्टदिक्पाल, मार्गदर्शक गुरु, वादक कलाकार और प्रेक्षक, इन सभी को वंदन करते हुए नर्तकी पुष्पांजलि अर्पण कर आशीर्वाद की कामना मांगती है। पुष्पांजलि रागम नाटई तालम आदि। पुष्पांजलि के बाद हमारी शिष्याएं प्रस्तुत करेगी गणेश कौध्वम। किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करने से पहले हम प्रथम भगवान गणेश का स्मरण करते हैं। गणेश कौध्वम रागम नाटई तालम चतुस्र एकम। परंपरा के अनुसार सर्वप्रथम श्री विष्णुदास मनालर जी के मधुर स्वर में आप सुनोगे एक गणेश वंदना और उसके पश्चात पुष्पांजलि और गणेश कौध्वम। थैंक यू। महागणवयो मनसा स्मरामि,
So can we once again hear it from you, please? Thank you very much. Before we continue further, let me take the privilege of introducing you all to one of the finest orchestra we have this morning. On the Natuwanga, we have Guru Shri Mehul Trivedi Ji. Next to Guru Shri Mehul Trivedi Ji, we have Guru Srimati Veena Sanghvi. And Guru Shri Hetal Shah is also nearby, but yes, she is helping the backstage, the disciples over there. We have Shri Vishnudas Manalaraji on the vocals. We have Shri R. Shakti Naranji on the Mridanga. On the violin, we have Shri Anand Narayanji. And on the flute, we have Shri Raghavendra Banikash. Moving further, Alarigo. Alarigo, ये एक तमिल शब्द है. सरल भाषा में अगर कहा जाए, तो अलारिगो का मतलब होता है खिलना. इस प्रस्तुति में नृत्यांगना का नृत्य एक फूल के खिलने के समान होता है. जिस प्रकार एक फूल धीरे धीरे खिलता है और हर पल उसके रूप में एक नई सुंदरता का एहसास होता है, ठीक उसी प्रकार नृत्य में कलाकार सरल से कठिन नृत्य की ओर आगे बढ़ते हैं. आफ्टर दिस ब्यूटिफुल रेटरिंग ऑफ पुष्पांजलि एंड गणेश गौतम, वी नाउ स्टेप अहेड इन दिस अरंगेट्रियम टू विटनेस अलारिपो. अलारिपो इन ट्रू सेंस means blossoming
or opening of the body and limbs to get prepared to execute more difficult pieces to be taken up subsequently. Hence, Alarepu is a short piece with simple poses and simple movements with music in an equally simple rhythm. Alarepu, Ragam Natai, Talam Tisra Ekam. Thank you. Thank you.
cheering audience. So yes, a huge round of applause for yourself. But I would like to make a small request to the audience. You are most welcome to cheer them at any point of time you would like. But we would request you not to whistle. Because, you know, we have created a very divine environment over here. You can see that we have created a temple over here. And all the dance recitals are all offerings to the Lord. So we would not like if you whistle. Yes, you can always cheer them by clapping. So can we have a huge round of applause for the disciples? Thank you. Yada yada hi dharmasya glanir bhavati bharata abhyutthanam adharmasya tadatmanam shrijamayam paritranay sadhunam vinashaya cha dushkrita धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। श्रोताओं, विश्व की अनेक भाषा में जिसे लिखा गया है ऐसी भगवद गीता तो भारत भूमि के विचारधारा की अमूल्य सौगात है। भगवद गीता को हिंदू धर्म का सबसे बड़ा ग्रंथ और पाठ प्रदर्शक के रूप में माना जाता है। सिर्फ हमारे भारत देश की ही भूमि इतनी भाग्यशाली है जहाँ स्वयं भगवान ने अवतार धारण किया है और धरती माता को पापियों से मुक्त करवाया है। इसके उपरांत अर्जुन को भी श्री कृष्ण ने वचन देकर कहा है कि जब जब पृथ्वी पर धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होगी तब तब मैं अवतार धारण करता हूँ साधु पुरुषों के रक्षण के लिए, दुष्टों के संहार के लिए और धर्म की स्थापना के लिए मैं युगों युगों तक प्रकट होता हूँ। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु के 10 अवतार हैं। चलिए मैं आपको इन अवतारों के बारे में बताती हूँ ताकि जब हमारे कलाकार इसे प्रस्तुत करे तो उसे देखने और समझने में आपको आसानी होगी। सबसे पहला अवतार मत्स्य अवतार। इस अवतार में भगवान विष्णु ने इस संसार को भयानक जल प्रलय से बचाया था। साथ ही उन्होंने हयग्रीव नामक दैत्य का भी वध किया था जिसने वेदों को चुराकर सागर की गहराई में छुपा दिया था। दूसरा अवतार कूर्म अवतार। पुरानी कथा के अनुसार समुद्र में डूबे हुए रत्न को निकालने के लिए समुद्र मंथन के वक्त मंदार पर्वत और वासुकी नाग की सहायता ली गई। उसी समय मंदार पर्वत समुद्र में नीचे तक जाने लगा। तभी भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार लेकर पर्वत को अपनी पीठ पर सहारा दिया। तीसरा अवतार वराह अवतार। हिरण्याक्ष नामक राक्षस ने भूदेवी को अपने कब्जे में कर लिया और उन्हें समुद्र के तल तक ले गया। तभी भगवान विष्णु ने वराह रूप धारण करके राक्षस को मार कर पृथ्वी को अपनी दांतों की धार से उठाकर समुद्र से ऊपर लेकर आ गए। चौथा अवतार नरसिंह अवतार। भक्त प्रहलाद के राक्षस के लिए उनकी भक्त प्रहलाद जो छोटे बाल विष्णु के भक्त थे उनकी रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया। इनका जो प्रागट्य है वो खंबे से गोधूली वेलों के समय हुआ था। भगवान नरसिंह श्री हरि विष्णु का उग्र और शक्तिशाली अवतार माना जाता है। पांचवा अवतार वामन अवतार। भगवान विष्णु के पांचवें अवतार वामन। भगवान विष्णु ब्राह्मण बालक के रूप में धरती पर आए और प्रहलाद के पौत्र यानी कि बलि राजा से दान में 3 पद धरती मांगी थी। 3 कदम में वामन देव ने अपने पैरों से 3 लोक नाप कर बलि राजा का घमंड तोड़ा था। छठा अवतार परशुराम अवतार। महाभारत और विष्णु पुराण के अनुसार परशुराम जी का मूल नाम भार्गव राम था किंतु जब भगवान शिव ने उन्हें अपना परशु नामक अस्त्र प्रदान किया तभी से उनका नाम परशुराम जी हो गया। परशुराम जी का जन्म का उद्देश्य था
धरती पर अत्याचारी राजवंशों को समाप्त करना। सातवां अवतार श्री राम अवतार। श्री राम अवतार से तो आप सभी भलीभांति परिचित हैं। सीता हरण के पश्चात भगवान राम ने लंका जाकर रावण का वध किया और फिर अयोध्या लौट आए। आठवां अवतार बलराम अवतार। एक अत्यंत दुष्ट राक्षस ने यमुना देवी को पहाड़ों में बंदी बना लिया था और इसी के कारण वृंदावन में अकाल पड़ गया। तभी भूदेवी के कहने पर बलराम जी ने उस राक्षस को हराकर यमुना देवी की रक्षा की और सर्व प्राणियों के जीवन को सुखमय किया। यही दृश्य यहीं पर दिखाया गया है। नौवां अवतार बुद्ध अवतार। इस अवतार में विष्णु जी ने गौतम बुद्ध के अवतार धारण करके प्राणी मात्रा की हिंसा का विरोध करके अहिंसा धर्म दिखाया है। और आखिरी अवतार यानी कि दसवां अवतार कलि की अवतार। अभी तक भूतल में ये प्रकट नहीं हुआ है, पर ऐसा कहा जाता है कि जब जब पृथ्वी पर अत्याचार, अनीति, अहिंसा और भ्रष्टाचार ये सब बढ़ जाएंगे, तभी एक बार फिर से भगवान विष्णु इन सभी चीजों का नाश करने के लिए अवतार धारण करेंगे। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, होल्ड योर ब्रेथ, बिकॉज कमिंग अप नेक्स्ट आर द 10 इनकार्नेशंस ऑफ लॉर्ड विष्णु। दशावतार, रागम, राग मालिका, तालम आदि। Oh,
Oh,
वेरी ब्यूटिफुल दशा अवतार. लेडीज एंड जेंटलमैन, हियर वी टेक अ शॉर्ट ब्रेक. वी अनाउंस एन इंटरवल ऑफ 10 मिनट्स. यहाँ पर हम 10 मिनट का मध्याह्न कर लेंगे. राइट नाउ वी आर गोइंग टू परफॉर्म अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेरेमनी एंड दैट इज प्रेजेंटिंग अरंगेत्रम सर्टिफिकेट्स टू द डिसाइपल्स एंड फेलिसिटेटिंग ऑल दोज पीपल who have contributed in making today's program a success. Today's Arangetram is a teamwork of the Guru, the Sishyas, the parents, the musicians, the technicians, and many more friends and well-wishers who have contributed directly and indirectly in making today's program a success. Today we have amongst us our chief guest, Guru Srimati Sumitra Rajguru. I would like to invite Guru Srimati Sumitra Rajguru on the stage. Can we have the lights, please? As you do the honors, I would like to invite Guru Srimati Hetal Shah and Srimati Hina Sangvi. A huge round of applause for Guru Srimati Sumitra Rajguru. Srimati Sumitra Rajguru has been serving the classical Indian dance tradition since 1974 through her school Nritya Pravesh. She is a distinguished exponent of Bharatnatyam and folk dances. She holds a BFA degree from Nalanda Nritya Kala Mahavidyalaya, which is affiliated to Mumbai University, and an MA in Hindi literature from Mumbai University. She learned Kathak from Padma Shri Guru Roshan Kumari. She has received several prestigious awards for her remarkable contributions to the field of dance. She has received Kala Guru Award from Nityanjali for her research work in dance. Her book on dance named Nritya Pravesh is a standard learning guide for diploma course of government dance examination. In November 2013, she received Nritya Shiromani from Shivalika Institute. In April 2014, on International Dance Day, she was felicitated by Nritya Kala Niketan Mumbai for her contribution in dance. And recently, on 5th March 2024, she was awarded the Subal Sarkar Award for her exceptional achievements in the field of dance. And then later, on 8th March, she was honored with the Aparajita Award from the Abhinay Institute, adding to the distinguished list of recognitions. Srimati Sumitra Rajguru has also served as a judge for various dance competitions, including Youth Festival, SNDT University, Malhar, Umang, Shitish, and Kiran festivals, to name a few. So now I request our dear Sumitra ma'am to say a few words on this occasion. In fact, I would like to add something more. Ye to jo script mein likha tha, wo tha. But I know her from the bottom of my heart, a very humble and down-to-earth person. And today on Mother's Day, I would like to add, maa to sabke paas hoti, magar hum bhagyashali, hamare paas aisi guru maa hai. So, I invite Sumitra ma'am to say a few words. नमस्ते. आज के शुभ पावन दिन यानी कि रविवार की सुबह सुबह आप सब अपना व्यस्त समय लेकर यहाँ पे आए हैं, तो मैं सभी को बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ. और नुपुर डांस एकेडमी एंड इवेंट्स वाले तो हमारे बच्चे हैं, आज उन्होंने मुझे विश भी कर दिया. और आज मातृ दिन की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभेच्छा. विश्व में ऐसी दो शक्तियां हैं जिससे हमारा ध्येय सिद्ध होता है. एक पृथ्वी पर माँ, कितना मधुर मीठा शब्द है, और एक ईश्वर परमात्मा की शक्ति. ये दोनों का तालमेल हो जाए तो आपको कोई भी लक्ष्य को सिद्ध करने में वक्त नहीं लगता है. क्योंकि आज की जो
एक तो मातृ दिन है, ऊपर से आज दोनों गुरु ये पांचों दीक्षार्थी जो नृत्य दीक्षार्थी विद्यार्थिनियां हैं उनकी दो मम्मी है, एक है यशोदा मैया और एक है देवकी मैया। तो अभी आप लोग को तय करना है कि इसमें यशोदा मैया कौन है और देवकी मैया कौन है, क्योंकि आज के ही दिन उनका ये आर्गेटम हुआ और दो गुरु उनको मिले हैं, यानी वो लोग बहुत नसीब वाले हैं। और जो भी उनके माता पिता है, जो आज के जो साधक लड़के हैं, मैं उनको साधक या उपासक कहूँगी, विद्यार्थी नहीं कहूँगी, क्योंकि एक कोई भी कला नृत्य या संगीत या 64 कला जो हमारे शास्त्रों के अनुसार है, उसमें कोई भी एक कला को सीखने के लिए पूरा जीवन कम पड़ता है। अभी भी मैं 70 साल की हूँ तो भी मुझे लगता है, मैं मेरे गुरु को पूछती थी कम से कम 50 साल पहले पूछती थी कि मैं आपके जैसी कभी बनूंगी, तो वो कहते थे कि मैं मेरे गुरु से अभी 5% ही हूँ सुविधा, तो तुमको सोचो तुमको कितना। तो मैंने कहा आपको राजलक्ष्मी टीचर बन के आने का है और मैं सुमित्रा राजगुरु बन के आऊँगी, शायद 5-6 जन्म में मैं कला सीख पाऊँगी। तो ये आज की जो लड़कियाँ हैं वो साधक हैं, उन्होंने 7 या 8 साल की तपश्चर्या के बाद आज स्टेज पे आके अपनी कला प्रदर्शित की, ये कोई छोटी बात नहीं है। इसलिए मुझे उपनिषद का एक श्लोक याद आता है, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरानी बोधत, यानी उठो जागो और अपना ध्येय अपना लक्ष्य जब तक सिद्ध नहीं होता है तब तक लगे रहो। तो ये लड़कियों ने उसी तरह, ये तो उनका शुभारंभ है आज, एक जो उन्होंने एक मार्गम सीखा उसका शुभारंभ आपको करके बताया, अब उनकी निपुणता आगे वो लोग करा कर पाएगी, सीख पाएगी और बता पाएगी। तो ये सभी लड़कियों के माता पिता को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि उन्होंने अपनी बेटियों में ये एक दिव्यता पहचानी और एक अच्छे दोनों गुरु के हाथ में उनको दिया, तो वो उनका कर्तव्य था। गुरुओं ने आज सिद्ध करके बताया है कि ये नृत्य कला साधना है, ऐसे ही हम लोग स्टेज पे नहीं भेज सकते, कोई भी 1 महीना 2 महीना 10 दिन 5 दिन ऐसे, ये कोई शॉर्ट टर्म कोर्स नहीं है, कला को आप वर्षों तक सीखते जाओ तो तभी जाके थोड़ा कुछ आपको मिलता है, प्राप्त होता है। तो वैसे भी भारतीय संस्कृति में कला की उपासना यानी ईश्वर की आराधना, और यही ईश्वर की आराधना आपको सत्यम शिवम सुंदरम की तरफ लेके जाएगी। तो मैं बहुत खुश हूँ कि आज की अपनी सभी दीक्षार्थी लड़कियों ने अपना प्रदर्शन बहुत अच्छा किया, और देखिए शायद इसमें वैष्णव लोग भी बहुत हैं, उनको एक प्रश्न होता होगा कि दशावतार में कृष्ण अवतार क्यों नहीं बताया, उनके दिमाग में कृष्ण अवतार था बहुत जगह, क्योंकि ये सब रिसर्च का शोध का काम है, तो ये गुरुओं ने उनको मालूम है कृष्ण एक पूर्ण पुरुषोत्तम है, तो वो अंश की तरह आकर एक अच्छा पृथ्वी के लिए काम करके चले गए नहीं है, वो तो अभी भी सर्वत्र यत्रत्र यहाँ भी वो उपस्थित है। ऐसे मैं कह सकती हूँ कि कृष्ण हमारे जीवन से गए नहीं है, लास्ट तक अपने लास्ट अंतिम श्वास तक हम लोग कहते हैं कि कृष्णम शरणम गच्छामि, तो कृष्ण तो अपने जीवन में है। तो उन्होंने बुद्ध अवतार लिया, बलराम अवतार लिया, पर क्योंकि ये जयदेव की अष्टपदी है उसमें से ये दशावतार की अष्टपदी ली गई है, तो ये सब गुरुओं का रिसर्च वर्क रहता है कि भाई कृष्ण है वो पूर्ण पुरुषोत्तम है, उनको एक अवतार की तरह बता के बाद में कभी हुए नहीं, हमारे जीवन ऐसा नहीं है। तो शायद किसी को मन में प्रश्न हो तो वो ऐसे सोचिए कि ये एक शोध है और इसमें अष्टपदी जो जयदेव के गीत गोविंद में है उसमें ये अष्टपदी दशावतार की ली गई है वो है।
तो इस तरह हर एक अवतार आके अच्छे पृथ्वी पर कार्य करके लोगों का भला करके चले गए हैं, पर अभी भी अपने जीवन में सबक इसी तरह अभी आगे का भी आप कार्यक्रम देखेंगे, उनका सभी का सोलो है बहुत अच्छा। और मुझे निकिता की एक बात बहुत अच्छी लगी, उसने अच्छा हुआ एक या दो नृत्य कृति के बाद बताया कि आप विसल नहीं बजाइए, क्योंकि ये हमारा रंगमंच मंदिर है और मंदिर में ये सब देवियाँ डांस कर रही हैं, ये कोई ऐसा एंटरटेनमेंट के लिए नहीं कर रहे हैं, ये मंदिरों से आई हुई कला है, तो ये दैविक कला है और इसका आनंद परमानंद है। तो आपको उसी तरह आप जरूर तालियां बजाएं, उनको प्रोत्साहित कीजिए, बहुत बड़ी बात है, प्रोत्साहित करना ही चाहिए। लेकिन ये हमारी बेटियां हैं और मंदिर में आज ही हमारा स्टेज हम लोग ने शुद्ध किया, सब मंत्र श्लोक पूजा करके हर एक चीज़ की पूजा करके हम लोग ने उसको शुद्ध किया और मंदिर बनाया। और आपने देखा गणपति आए, कृष्ण आए, अभी 5 लड़कियां जो करने वाली है सोलो वो उनके इष्ट देव को समर्पित कर रही है एक एक नृत्य कृति, तो सभी भगवान यहाँ उपस्थित होकर उनको आशीर्वाद दे रहे हैं। तो ये हमारा मंदिर हो गया आज के दिन प्रोग्राम खत्म होने तक, तो इसके लिए आप उनको बहुत प्रोत्साहित कीजिए। सिर्फ लेकिन मैंने मार्ग भी किया कि आप सब रसिक जन हो, किसी ने उसके बाद विसल नहीं बजाया। और निकिता ने भरतनाट्यम के बाद इतना क्या, वो जब होती है ना तो मैं डरती हूँ, अरे मुझे जो बोलना था वो उससे भूल दिया, अभी मैं क्या बोलूँ, मेरे पास शब्द ही नहीं है। तो लेकिन फिर भी आप लोग को एक मुझे बोलने का मौका मिला है, तो मैंने आपको जो मुझे दिल में लगा मन में लगा तो मैं कहती हूँ। और मैं ये गुरुओं को, ये सब लड़कियों को बहुत बहुत दिल से आशीर्वाद देती हूँ कि अपने भारतवर्ष का, अपने गुरु का, अपने माता पिता का नाम रोशन करें यहाँ पे और विश्व में, जहाँ भी जाए उनके संस्कार बताएं, क्योंकि ये कला से संस्कार आते हैं, डिसिप्लिन आती है और बहुत बोलना है, लेकिन अभी अपने पास समय की कमी है। तो मैं सभी को, आप लोग को, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, शुभम भवतु। मैम आप तो ज्ञान का सागर है, अभी हमने आपसे बहुत कुछ सीखना बाकी, वॉट एवर वी नो इज जस्ट 5%, स्टिल अ लॉट टू लर्न फ्रॉम मैम। आगे बढ़ते हैं, अवर गेस्ट ऑफ ऑनर श्रीमती हीना बेन मेहता, एंड टू डू दी ऑनर्स आई वुड लाइक टू इनवाइट ऑन स्टेज श्रीमती हेतल शाह एंड श्रीमती हीना संघवी। श्रीमती हीना बेन मेहता का व्यक्तित्व प्रभावशाली और गतिशील है और पिछले 15 सालों से भी अधिक वे नृत्य कला सागर इस संस्था के माध्यम से कई सारे कार्यक्रम आयोजित करती है। इन्होंने जय जय गरवी गुजरात, रंगीलो राजस्थान, रंग रंगीला हिंदुस्तान, रंगीली बूगी बूगी, चक दे, सोन नपर, हरिहर उत्सव जैसे कई कार्यक्रम कई बार आयोजित किए हैं। चित्रलेखा जैसी प्रख्यात पत्रिका में इनकी गतिविधियों के बारे में अक्सर प्रकाशित होते हैं और इसी की वजह से कि युवा छात्रों और विकलांग बच्चों इन्हें अपना संरक्षक मानते हैं। पिछले 25 वर्षों से भी अधिक कार्यक्रम में आयोजन करने वाली हीना बेन को सामाजिक कार्य के लिए सह्याद्री अवार्ड से भी नवाजा गया है। अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर श्रीमती हीना बेन मेहता। Thank you, Hina Bin. Thereafter, I invite on stage Guru Shri Mehul Trivedi Ji. आपने देखा कि नटुवंगम पे जो जिनकी डोर जिन्होंने संभाली थी वो है हमारे गुरु श्री मेहुल त्रिवेदी जी, एंड आई रिक्वेस्ट श्री अंकित भाई टू डू दी ऑनर्स। श्री मेहुल त्रिवेदी जी ने भरतनाट्यम में नृत्य विशारद अखिल भारतीय गांधर्व महाविद्यालय से किया है। कोविद की प्राप्ति उन्होंने नालंदा डांस रिसर्च सेंटर से हुई है और मास्टर डिप्लोमा भारतीय संगीत समिति से किया है। इन्होंने गुरु श्रीमती वंदना देसाई और गुरु श्रीमती सुमित्रा राजगुरु के तहत अपने नृत्य परीक्षण प्राप्त किया है। गुरु श्री रविंद्र खुराना जी से बुनियादी लोक नृत्य भी सीखा है।
भारतीय संस्कृति सांस्कृतिक नृत्य के अलावा इन्होंने जाइव, सालसा, वॉल्ट्स और बॉलीवुड नृत्य भी सीखा है। अ वेरी वर्सेटाइल आर्टिस्ट, वे मुंबई और भारत में एक बेहतरीन मेकअप कलाकार हैं। आज ये जो पांचों बच्चों का जो मेकअप और हेयर स्टाइल जिन्होंने किया है, उनके पीछे मेहुल त्रिवेदी जी और उनकी टीम है। वे अधिक से अधिक बच्चों को नृत्य के शिक्षक प्रदान करते हैं और वे चाहते हैं कि युवा पीढ़ी इस भारतीय संस्कृति को समझे और संभाले। सो ऐसे हैं हमारे श्री मेहुल त्रिवेदी जी, अ वर्सेटाइल आर्टिस्ट, जिन्हें हम कभी कभी प्यार से उस्ताद जाकिर हुसैन भी कहते हैं। सो उस्ताद जी आइए और अपनी ऑडियंस को अपनी आवाज से संभालिए। गुड मॉर्निंग ऑल प्रेजेंट हियर। आज अहीं बधा आटली बड़ी संख्या में जोईने अमारी दीकरीओने आशीर्वाद आव्या माटे तमे आप्या, आप सौनो खूब खूब आभार। हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल आ पांच दीकरीओने मारा पांच पांडव बोलावुं छुं, जे आजे डांस नुं कुरुक्षेत्र नुं नृत्य जीती गया। खूब मेहनत करी, टीचरे भी खूब मेहनत करी अने छोकरीओ भी मेहनत करी। एवरी रिहर्सल में अमे मळता त्यारे एक ज वस्तु कहता, सर अमे केवुं करीए छीए, ने हूँ कहता तो हजी इम्प्रूव इम्प्रूव इम्प्रूव। इट्स नेवर एंडिंग प्रोसेस। अमे अमारा गुरु पासे आजे जे वर्ड हता एमांथी अमे एक नाने एवी पांखडी उभी थई छे अने अमे उभा थई रह्या छे। અને આજે પણ અમારા ગુરુ અમને એક જ શબ્દ કહેતા રહે કે મહેનત કરો, કરતા રહો અને કરતા રહેજો। એ એક જ મોટો મંત્ર છે જીવનમાં સક્સેસ પામવા માટે। આ છોકરીઓને આજના યુગમાં તમે જોયું કે ઇન્સ્ટાગ્રામ, વોટ્સઅપ, સ્નેપચેટમાં એટલા બધા ગૂંચવાયેલા હોય છે કે કોઈને સમય નથી પડતો, પણ આ આપણી પાંચે દીકરીઓએ આજે આપણું ભારતીય શાસ્ત્રનું નૃત્ય શીખીને આપણી ધર્મની જ્ઞાન લીધું। આપણો ધર્મ શું છે એ શીખ્યા। આજના છોકરાઓ જ્યારે મંદિરમાં જાય છે ત્યારે આપણે ભગવાનને કે ભગવાન સામે એમને કહેવું, બેટા હાથ જોડો, બેટા મહારાજ સાહેબ આવ્યા પગે લાગો, બેટા વડીલો છે એના પગે લાગો। પણ આજે આ છોકરીઓ આજના યુગમાં 21મી સદીમાં સંસ્કાર સાથે ઊભી થઈ રહી છે, એમની માટે જોરદાર તાળીઓ। સાથે અમારા ગુરુ હિનાબેન, હેન્ટરબેન અને સમગ્ર પરિવાર જે આજે અહીંયા આવ્યા છે, આપ સૌના ખૂબ ખૂબ વેલકમ। તમે બહુ મહેનત કરી, તમે સમય કાઢીને અમારી દીકરીઓ માટે આવ્યા, એના બદલ ખૂબ આભાર। અને આનો સારો બધો શ્રેય એમના માતા પિતાને જશે। હું આજે મારા માતા પિતાને બી ગર્વથી કહું છું કે એમણે મને ક્લાસિકલ ફોર્મ શીખવાડ્યો અને આજે આપણે આ પદ્ધતિ, હું ત્રીજી પદ્ધતિને આગળ વધારી રહ્યો છું। અને એમના મા બાપને અને અમારા ગુરુઓને સાક્ષાત પ્રણામ, થેન્ક સો મચ। ઓલરાઇટ, गुरु से तो मुलाकात हो गई एंड नाउ दो छोटी गुरुमाएं जो हमारे यहाँ बीच मौजूद हैं, द फाउंडर्स गुरु श्रीमती हेतल शाह एंड गुरु श्रीमती हीना संघवी, एंड आई वुड इनवाइट ऑल द फाइव डिसाइपल्स ऑन द स्टेज टू ऑनर देयर गुरुमा। सभी पांचों शिष्याएं से निवेदन है कि वे गुरु श्रीमती हीना संघवी और गुरु श्रीमती हेतल शाह को फेलिसिटेट करें। Founders of Nupur Dance Academy, Mrs. Hetal Shah and Mrs. Hina Sanghvi have prestigious degree of Visharad from Akhila Bharatiya Gandharva University. They have been teaching Bharatanatyam since 2 decades now. They have trained many aspiring Bharatanatyam dancers. They have a team of trainers and expertise in various dance forms. What started as a passion to teach and spread knowledge about classical dance, they have now a complete dance academy that has grown and nurtured with love for various dance forms. They have achieved a new milestone in this wonderful journey by turning event planners. At NDAA events, they have to manage your biggest ideas and your smallest concerns to ensure that you are stress-free and enjoy every moment. As a boutique company, they are driven by a childlike excitement for what they do and a love for collaboration with their clients. So a huge round of applause for both the gurus. Abhi main guzarish karungi hamare chief guest Sumitra ma'am se ki ve in panchon shishyaon ko certificates pradan kare।
So calling upon the very first disciple, Tashvi. Tashvi, daughter of Srimati Neha and Shri Kunal Ajmera. I would request the parents also to join them. Parents, aap bhi aaiye. Srimati Neha and Shri Kunal Ajmera ji, aap bhi aaiye. Tashvi, a respectable student at NM College, enjoys traveling, reading books and spending time with friends. A very calm and a composed personality, Tashvi. Thank you. Calling upon our second disciple, Kavya. Kavya, daughter of Srimati Bhavna and Shri Mehul Mehta. Honorable student of SVKM JV Parik International School, loves cricket and quilling. And as her name indicates, Kavya, her performance today is like a poetry in motion. So here is a beautiful Kavya, the second disciple. God bless you. Calling upon the third disciple, Hitanshi. And daughter of Srimati Sheetal and Sri Ritesh Doshi. Hitanshi, a bright student of DG Khetan International School, also takes interest in sports like cricket. She believes in discipline and hard work, which is already seen in her performance. So that is the wonderful disciple, Hitanshi. Congratulations, Hitanshi. Moving further to Sanvi, our fourth disciple. Sanvi, daughter of Srimati Mallika and Sri Prakash ji. A student of Savitri Devi Hariram Agrawal International School is studying in Standard 9. Apart from dance, Sanvi is also good at, he's just a very good sports person and a very good skater, and in fact she has won many awards for the same. Sanvi. And now moving to the fifth disciple, Prisha. Prisha, daughter of Srimati Payal and Sri Ankit Doshi. Prisha is fond of music and she is learning to play piano. And she's also a Garba lover. She's a die-hard Sudha Murthy detective books fans and also very religious also. She's studying religion also. So a huge round of applause for our disciple, Prisha. Heartiest congratulations to all the five disciples. Yes, a huge round of applause from all of you. Ye taliya rukni nahi chahiye because it's their day. Thank you, Sumitra ma'am. Thank you, Meena ma'am. Thank you. All right. So, the success of any dance performance relies a great deal on the quality of musical accompaniment. Music is an integral part of dancing. The disciples' dance recital is accompanied by a very gifted group of musicians. Let me take the honor of introducing you to the artists who have contributed further. The disciples' vocal support has provided melodic richness to the songs. Vocals constitute an important element of any Bharatanatyam recital, and this has been handled by Sri Vishnu Das Manalarji, IA sir. And I request Sri Kunal Ajmera ji to do the honors. Sri Kunal Ajmera, Tashvi's father, will be felicitating Vishnu Das ji. He was initiated into the world of ragas and talas at a very young age. Later, he joined hands for higher studies in music under the guidance of Guru Sri Sangeeta Ratna Pallagat Ramaswamy. Thank you very much, sir. Although there can be dancing without music, but there can be no dancing without musical accompaniment. And on the mridangam, we have Sri R. Shaktidharan. And I invite Sri Ritesh Doshi to do the honors. The magician on the mridangam is Sri R. Shaktidharan ji. Thank you, sir.
Thereafter comes a lovely lilting violin, and this has been handled by Shri Anand Narayan Ji. Shri Anand Narayan, and I request Shri Prakash Ji to do the honors. Sanvi's father. Shri Anand Narayan Ji on the violin. Thereafter comes the sweet sound or the flute, and this has been handled by Shri Raghavendra Baliga Ji. And to do the honors, I invite Srimati Payal on stage. Kunal Bhai Ajmera, can we have you on stage, please? Shri Raghavendra Baliga Ji, handling the flute very efficiently. Thank you. So these are the wonderful orchestra team which we had, who was handling the musical part. And now I would invite Shri Mehul Trivedi ji to continue further. આપણે આટલી વારથી નિકિતા બેને સાંભળતા હતા, બોલતા હતા, આપણને ગાઈડન્સ આપતા હતા, તો આપણે એમનું માન તો કરવું જોઈએ. તો મિસિસ નિકિતા મહેતા, શ્રી એમિનેન્ટ ભરતનાટ્યમ ટીચર, કોરિયોગ્રાફર એન્ડ એન્કર બાય પ્રોફેશન, જે આપણે એમને સાંભળી રહ્યા છે. She is a founder and a director of Nupur Institute of Performing Art, affiliated with Nalanda Research Center, Bombay. At the same time, she is also a senior dance faculty with the Nupur Jhankar Kala Kendra at Impart of the training of Bharatanatyam dance from last 25 years. Her association with the schools and college for the various cultural events and recommended initiative towards the spread in the tradition of art across the nation. Please a round of applause for Mrs. Nikita Mehta Shri. Thank you so much. It's been like a family event. We have so many friends who has come from different it's like in Mero. We all have been together for a many times. Bhavna Bindu, khub khub aabhar. સેલિબ્રેટ કર્યા અને વિલ ફેલિસિટેટેડ બાય ભાવનાબેન ટુ નિકિતાબેન. થેન્ક યુ, થેન્ક યુ. લેટ્સ કન્ટિન્યુ ધીસ યોર જોબ નોટ માય. ઓકે ઓકે ઓલ રાઈટ. થેન્ક યુ ભાવનાબેન ફોર ફેલિસિટેટિંગ મી. ઓલ રાઈટ. દેર આફ્ટર લાસ્ટ યર ક્રિશા એન્ડ વૃંદા, ધીઝ ટુ ડિસાઇપલ્સ હેડ ડન ધેર અરંગેટ્રમ અંડર ધ ગાઈડન્સ ઓફ ધીઝ ટુ ગુરુઝ. Now the very two students, Krisha and Vinda, are helping their guru at the backstage in all the practices. So can we have Krisha and Vrinda on stage, please? Krisha and Vrinda. And Mrs. Sheetal Doshi and Mrs. Mallika will felicitate both the disciples. Ye jo dance arangetram ho raha hai, inki shuruaat, the practices started long, long time ago, a few months ago. And these two children were helping the gurus in training the other disciples. So a huge round of applause for Krisha and Vrinda. Thank you. Thereafter comes the photography and videography. Without that, the show is said to be incomplete. And I would request Ketan Bhai to please come over here on the stage. And I would request Tashi's mother to do the honors of felicitating him. Because these are the moments which the children are going to cherish for years and years. Bolte na, kehte ki the time flies away, but the memories yaadein reh jaati hain. So these memories are provided by them. All right. And can we have Preksha on stage, please? The lovely daughter of Saisha. Along with Preksha, we have her little one, Saisha. So we can see the three generations over here. The mother, daughter and her daughter. So we would like to felicitate Srimati Preksha. Thank you so much. You have been a great help and support. And Payal Bain is doing the honors. Yes.
ओके द फाउंडर ऑफ नूपो डांस अकेडमी यस एंटायर इवेंट्स इज बीन हैंडल्ड बाय हर सो अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज एंड द फ्यूचर जनरेशन इज आल्सो गेटिंग रेडी धीरे धीरे यस ऑलराइट वी वुड आल्सो लाइक टू थैंक अ फ्यू मोर पीपल ओवर हियर इन द ऑडियंस वी हैव अमंगस्ट अस गुरु श्रीमती कृपा बेंदे सर एन एक्सपर्ट इन भरतनाट्यम वेलकम मैम आइए गुरु श्रीमती कृपा बेंदे सर इज एन एक्सपर्ट इन भरतनाट्यम वेलकम मैम इट्स इंडीड अवर प्लेजर टू हैव यू ओवर हियर और बहुत ही जल्द इनफैक्ट नेक्स्ट वीक इनके बच्चों का भी अरंगेट्रम है सो वी विश यू ऑल द बेस्ट मैम आइए हीना बेन एंड हेतल बेन थैंक यू सो मच फॉर कमिंग वी ऑल्सो एक्नॉलेज द प्रेजेंस ऑफ मिस काजल श्रॉफ हु इज तश्वी एंड काव्या टीचर Are you there, ma'am, in the audience? Yes, thank you so much. We acknowledge your presence. We also thank Mrs. Jalpa Oza. Ma'am, are you here? Ms. Jalpa Oza? Okay. And Rekha Miss, by any chance, we have Rekha Miss over here? Okay. So these are the few friends and well-wishers who have contributed in this program. So, ladies and gentlemen, here I would also like to mention special thanks to Preksha Padia ji, Ninan Sanghvi, Munchal Padia, Sri Dharmesh Shah, Parshav Shah and the entire team of NDA events. So, with this, we end the formal function, the felicitation function. Let me promise you that if you have enjoyed the first half, the second half is equally interesting. So we'll be back in a short while. Thank you. नृत्य की उत्पत्ति शिवजी के तांडव से और संगीत का जन्म शिवजी के डमरू के नाद से हुआ है वैसे भी कहा जाता है कि अमृत पिए वो देव और विष पिए वो महादेव शिवजी जो स्वयंभू हैं, जिनकी छटा में गंगा जी समाये हैं सिर पर अर्धचंद्रमा गले में नाग और अंक पर भभूत लगाए हुए शिवजी यानी महादेव सबसे भोले और दयालु हैं वे आदि अनादि अनंत अखंड अभेद अछेद निर्गुण परब्रह्म हैं इनकी भक्ति से परम सुख को प्राप्त किया जा सकता है अर्धनारीश्वर और नटराज ये नृत्य के चरण सीमा चिन्ह रूप है जो हमें शिवजी से मिलते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन Coming up next is Bho Shambho, a popular song in praise of Lord Shiva. Lord Shiva is one whose self appeared. He is without gunas, one who is beyond time, past, present and future. He is the Lord who is worshipped by Muni Matanga. He whose only clothing is the sky. He who is entertained by dance. And he, who is also the eternal lord of dance. Prisha will now present before you Bho Shambho, Ragam Revati, Talam Adi. Thank you.
Ah!
हो, आगे बढ़ते हैं। कृष्ण, इस नाम का अर्थ ही होता है कर्षति आकर्षति इति कृष्ण। ये एक विलक्षण तत्व है, इनके बारे में सोचो तो मन में प्रवेश कर जाते हैं, मन में बसाओ तो हृदय में प्रवेश करते हैं, और अगर हृदय में झांको तो प्रत्यक्ष नजर आते हैं। इनफैक्ट अभी इस ऑडिटोरियम में भी, जी हाँ, और हमारे तन मन को मधुर करते हैं। इसीलिए श्री वल्लभाचार्य जी ने कहा है, अखिल मंगल मंगल भ्योपी मधुर भ्योपी मंगल, अर्थात इनका होना ही मंगलता और मधुरता का प्रतीक है। इनके जीवन की हर लीला मधुर है। श्री कृष्ण के व्यक्तित्व के अनेक पहलू हैं। एक तरफ है नटखट से बाल कृष्ण, जो गोपियों के घर जाकर माखन चुराकर खाते हैं, उन्हें छेड़ते हैं, उनकी मटकी फोड़ते हैं। इतना ही नहीं, जब वे स्नान करने नदी में जाती हैं, तो उनके वस्त्र चुराकर पेड़ पर छिपा देते हैं। तथा दूसरी ओर वे कृष्ण जिनका जन्म हुआ था सभी के उद्धार के लिए, जिन्होंने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाकर इंद्र के मान का भंग किया, तो कभी कालिया नाग का दमन करके जनजीवन की रक्षा की, कभी वृंदावन की गोपियों के साथ होली खेली, तो कभी राधा जी के साथ रास लीला रचाई, ऐसे कृष्ण। इन सभी लीलाओं की एक झलक आपको दिखाई देगी हमारी अगली प्रस्तुति में, जो है स्वागतम कृष्ण। स्वागतम कृष्ण इज अ ब्यूटिफुल ओड टू लॉर्ड कृष्ण, इनवाइटिंग हिम इनटू आवर लाइव्स एंड ऑफरिंग आवर सेल्व्स एट हिज फीट। द रेपिटेशन ऑफ हिज नेम थ्रू आउट द सॉन्ग सर्व्स एज अ रिमाइंडर ऑफ हिज डिवाइन प्रेजेंस एंड एम्फसाइज़ेस द जॉय that comes when we surrender ourselves to His will. This song will be performed by Kavya. Swagatam Krishna, Ragam Mohanam, Talam Aag. So
था तो इससे भी और अच्छे अच्छे नृत्य आगे आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि सुमित्रा मैम ने कहा था कि यहाँ पर एक ये रंगमंच नहीं है बल्कि एक मंदिर का वातावरण है। हमने दर्शन किए शिव जी के, श्री कृष्ण के, और अब बारी आती है श्री राम की। सत्य, स्नेह और समर्पण का संगम यानी श्री राम। श्री राम के जीवन में कोई शिकायत नहीं है, अगर कुछ है तो वह है स्वीकार, सरलता और सहनशीलता। सकारात्मक चरित्र श्री राम जैसा आज कहाँ दिखाई पड़ता है, इसीलिए श्री राम आदर्श है, आराध्य है। सनातन धर्म में प्रभु श्री राम को आस्था का प्रतीक माना जाता है। त्रेता युग में भगवान विष्णु के सातवें अवतार प्रभु श्री राम का जन्म संसार में धर्म की स्थापना के लिए हुआ था। वैसे आप सबको तो पता ही है कि अयोध्या में श्री राम लला विराजमान हो चुके हैं। ऐसे में भक्त घर बैठे श्री राम की उपासना कर सकते हैं, हमें अयोध्या जाने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट घर बैठे ही क्यों, इस वक्त इस ऑडिटोरियम में क्यों नहीं, राइट? तो फिर चलिए, गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा 16वीं सदी में रची श्री रामचंद्र कृपालु भजमन नामक यह अद्भुत श्री राम स्तुति, जो आज भी
जन जन के हृदय में गूंज रही है उसी का पठन करते हैं। ताश्वी विल नाउ परफॉर्म ऑन दिस ब्यूटिफुल श्री राम स्तुति विच ग्लोरिफाइज लॉर्ड रामा एंड हिज कैरेक्टरिस्टिक्स टू द बेस्ट। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन रागम यमुना कल्याणी तालम मिश्र चापु। Oh,
सलमति, वीर, अतिवीर और महावीर, ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर के नाम हैं। जैन ग्रंथों के अनुसार समय समय पर धर्म तीर्थ के प्रवर्तन के लिए तीर्थंकरों का जन्म होता है, जो सभी जीवों को आत्मिक सुख प्राप्ति का उपाय बताते हैं। भगवान महावीर ने दुनिया को जैन धर्म का पंचशील सिद्धांत बताए हैं, जो है अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, अस्तेय और ब्रह्मचर्य। भगवान महावीर स्वामी का जन्म ईसा से 599 वर्ष पूर्व कुंदग्राम बिहार में हुआ था। वे राजा सिद्धार्थ और रानी त्रिशला के पुत्र थे। ग्रंथों के अनुसार उनके जन्म के बाद राज्य में उन्नति होने के बाद उनका नाम वर्धमान रखा गया था। लेडीज एंड जेंटलमैन, कमिंग अप नेक्स्ट इज अ वेरी पॉपुलर जैन स्तवन। अ स्तवन इज यूजुअली sung as folk melodies by a group of Jain ladies and are an official part of ceremonies and celebrations within Jainism. We just celebrated Mahavir Janma Kalyanak recently. It is celebrated to observe peace, harmony and to spread the teachings of Mahavir Bhagwan. And here comes Hitanshi to add colors to the celebration of birth of Mahavir Bhagwan in this Jain Stotra. Presenting Jain Stavan by Hitanshi, Ragam, Ragamalika, Talam Adi. Oh,
देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। शिवजी की आराधना हमने कुछ ही क्षण पहले भो शंभो इस नृत्य द्वारा की। शिवजी की बात हो और शक्ति का जिक्र ना हो, ऐसा कभी हो सकता है? जी नहीं। सृष्टि के कर्ता भगवान शिव का अस्तित्व शक्ति के बिना अधूरा माना जाता है। भगवान शिव को पुरुष का प्रतीक, वहीं देवी शक्ति को प्रकृति का प्रतीक बताया गया है। चलिए अब स्मरण करते हैं देवी शक्ति का, यानी माँ दुर्गा का। महिषासुर मर्दिनी हिंदू देवी दुर्गा को कहा गया है। इन्होंने महिषासुर नामक राक्षस को मारकर देवताओं को इससे मुक्ति दिलाई थी। महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र के नवरात्रि के दौरान अधिक महत्व है इस स्तोत्र का। महान ऋषि आदि शंकराचार्य द्वारा रचित यह स्तोत्र देवी की महात्माय पर आधारित है और देवी की विभिन्न शक्तियों का गुणगान करता है। मान्यताओं के अनुसार जीवन में यदि आप किसी भी समस्या से जूझ रहे हो तो माँ भगवती के इस स्तोत्र का पठन करने से जातक के जीवन में आ रही परेशानियां दूर हो जाती हैं। महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र, ऑल्सो नोन एज अयगिरी नंदिनी स्तोत्रम, इज अबाउट गॉडेस पार्वती इन हर दुर्गा अवतार, वेयर शी किल्स द डीमन महिषासुर एंड थस शी गेट्स द नेम महिषासुर मर्दिनी। दिस देवी स्तोत्रम विल बी परफॉर्म्ड बाय सानवी, रागम रागमालिका तालम आदि। Thank you.
Goddess, and that too on Mother's Day. Okay. So, आप काफी देर से मुझे सुन रहे हो, but now let me take a break, and now let's listen to the real stars of the day, जो तारे आसमान में होते हैं, वो जो अक्सर रात को निकलते हैं, आज ये तारे दिन में आए हैं, निकले हैं. So, calling upon the first two stars of the day, Kavya and Tashi. Let's hear it out from them. As we gather here today, we are filled with an overwhelming sense of gratitude and excitement. On behalf of all the performers, we would like to extend the warmest welcome to each and every one of you. Your presence here is a testament to your love for us and for the arts. For us to celebrate our achievement, it is only fitting that we recall the journey that has led us to this moment. From not having a single dancing bone in our bodies to being able to present this masterpiece of a dance to you, we have come a long way. This was only possible because of our incredible gurus, Miss Hetal, Miss Hina, Miss... to all the teachers. You have challenged us to push beyond our limits to strive for excellence and to also instill in us a love for this beautiful art form. Last but not the least, we would like to thank you from the bottom of our hearts for always supporting and rooting for us. We are eternally grateful to share with you the result of countless hours of dedication, passion and practice. Thank you. Calling upon Prisha. Hello everyone, I am Prisha. Firstly, I would like to thank the Almighty to help us reach here and give us the courage. Next, I would like to thank Guru Sumitra ma'am for all the rectifications and the lessons. I would also like to thank the teachers, Ms. Hetal ma'am and Ms. Hina ma'am. Hetal ma'am was always on our side and pampered us, and Hina ma'am was like Aamir Khan of Dangal movie. I hope like at the end, Aamir Khan said Shabash, we heard it from her too. Combination of both the teachers can be seen in through our performance. Next, I would like to thank my parents to motivate me in the entire journey. I would also like to thank my brother Ridham to be a full-time audience. I would also like to thank you all for being such a lovely audience. Coincidentally, today is Mother's Day, so I would wish a Mother's Day to all the mothers present here. Thank you. कार्यक्रम के अंतिम मोड़ पर हम बढ़ रहे हैं. अगली प्रस्तुति है तिल्लाना. भरतनाट्यम में तिल्लाना यह तालपूर्ण रचना और सुंदर मुद्राओं का मनभावन संकल्प है. अला रेपू, अगर कली सिर्फ फूल होने की प्रक्रिया है तो तिल्लाना उसी फूलों का वर्षाव है. आकर्षक और मनमोहक संगीत तिल्लाना की खासियत है. तिल्लाना के बाद मंगलम प्रस्तुत होता है. जलद गति में पैर मारकर कार्यक्रम में हुई स्वर ताल और राग की गलतियों के लिए भगवान से क्षमा मांगना
ये इस प्रकार की आंतरिक भावना है. एंड एज ऑल गुड थिंग्स कम टू एन एंड बट एज मैम राइटली सेड दैट दिस इज नॉट एन एंड दिस इज द बिगिनिंग ऑफ अ ब्यूटिफुल जर्नी. दिस इज जस्ट अ बिगिनिंग अ बडिंग इनटू अ ब्यूटिफुल आर्टिस्ट. एज वी कम टू द कंक्लूडिंग आइटम टूडे तिलाना. Tilana is an item where the artist becomes one with her art. And as they say, when the diya in the temple is about to extinguish, that today's program is just about to come to an end, the diya light its brightest light. It is a light of power. It is a light of being one with the Lord. And that is exactly the power of a Tilana. It is a pure nritya item where very intricate steps are performed with beauty and precision. Tilana will be concluded with Mangalam on the stage, where the dancer takes a final bow to the audience, to the respected artist at the Vadya Vrinda. Let's have a huge round of applause for one last time as our disciples take on the stage for today. Presenting Tilana, Ragam Hindodam, Talam Adi. Deepta Dupta Tirana Tatarata Udanadi Deepta Nanadi
was the beautiful presentation by Nupur Dance Academy. Heartiest congratulations to all the five disciples, to Guru Shrimati Hina Sangvi, Guru Shri Hetal Shah and Guru Shri Mehul Rivedi. We thank you, audience. You have been wonderful in cheering and motivating our disciples. Thank you so much.